पान मुंह में एकदम भरा हुआ है, सिर्फ वो निकल रहा है, वो सब समझ लीजिए कैसा लग रहा है संजीव जी। फ्रेंड्स वेलकम टू दिस व्लॉग। ये व्लॉग कंटिन्यूशन है पिछले व्लॉग का, जिसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम आलो से चले थे लगभग सुबह 6 बजे और मेचुका पहुंचते पहुंचते हमको लगभग 2 बज चुका था। पहला काम ये था कि हम अपने होम स्टे में चेक इन कर लें, और उसके बाद जब हम लोगों ने घड़ी देखी तो ये पाया कि लगभग 3 बज चुके थे, विच मैन दैट वी जस्ट हैड अराउंड 2 more hours, 2 ही घंटा रहता है, क्योंकि यहाँ पर शाम जल्दी हो जाती है तो 4:30 बजे तक धूप धीरे धीरे कम होने लगती है, तो हमारे पास लगभग 1.5-2 घंटे का ही टाइम था। प्लान ये बना कि चला जाए दार्जिलिंग। दार्जिलिंग एक छोटा सा गांव है मेचुका से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट दार्जिलिंग इज़ दैट दार्जिलिंग में मेचुका वाले इलाके का सबसे बड़ा गौतम बुद्ध का स्टैचू वहाँ पर है, और इसके साथ साथ जैसे सूर्य देवता हमारे ऊपर मेहरबान हो रहे थे, हम लोगों को लगा कि क्यों ना थोड़ा इस समय को फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाए, थोड़ी फोटोग्राफिक मेमोरीज बनाई जाए, और इतना तो बनता है, इतने दूर आए हैं तो सिर्फ व्लॉग ही क्यों, कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए जाएं ताकि घर में ले जाके अपने दोस्तों को दिखाया जा सके और उनको जलाया जा सके। सो एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू दार्जिलिंग। ये है दार्जिलिंग, मेचुका के गांव है। उसके बाद ये एरिया बेसिकली बुद्ध जी का एक स्टेचू है, सबसे बड़ा माना जाता है ये मेचुका के अंदर। यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी तो, वैसे स्टेचू का, हाँ स्टेचू तो हो गया है, कंप्लीट हो गया है, बट बंद करके रखा हुआ है। पहले घर परमानेंट नहीं था, वो गंध का पक्का का बनाया हुआ था, अभी फिर पक्का से बना रहे हैं, सीमेंटेड RCC। सर कोई लोग आ रहे हैं, कोई लोग आ रहा है, एक लोग तो ये रहा, दूसरा लोग कहाँ है? वो हम था आज। अच्छा तो हम तो हो गया, तो चलिए चलिए। तो हम लोग कहाँ पहुँच गया? बस जारून के पास ही तो पहुँच रहे हैं, चलते हो तो हम पहुँच रहे हैं, चलो चलो पहुँचेगा। फोटोग्राफी करने के मेहनत चल रही है। चलिए किसमें चलो, वो गड्ढा है। अरे ये रास्ता बना हुआ है ना,
खत्म है रास्ता, ये उधर जाने का रास्ता है। गलत रास्ते में ले गया संजीव भाई, फिसल फिसल मत जाइयो। अब जा रहे हैं वापस। जाने जाने मन हसीन दिल रुबा यहाँ बैठ गया है। वो जाना है पहाड़ में, वो रहा फ्लैग। आपको रुक रहा था। चलो चलो चलो, ए रुको नहीं, चलते रहो, ज्यादा दूर नहीं है, पहुंच जाएंगे। बस चढ़ना ही चढ़ना है, उतरना तो अपने आप हो जाएगा। जी कहाँ है? बैठ गए। फोटो खिंचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सोचा तो था पहुंचेंगे आराम से, ये तो सोचा था। चूहा पूरा पूरा शेर निकला। अरे बहुत ऊंचा है भाई। ओ तेरी मान, you can do it. 20 more कदम, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, बढ़ जा, छोड़ मत, तू रुक नहीं है, तू ठहर नहीं। ऊंचाई पे पहुंचने के बाद शेरों की हालत है। चीतो पस्त हो गए? यस। फ्रेंड्स, अ बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन बिफोर वी गो अहेड। मेचुका कैसे पहुंचना है, हाउ टू रीच मेचुका, ये जानने के लिए इससे पिछले वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। सो मेचुका से बाकी जगह का कनेक्टिविटी कैसे है और हम कैसे आ सकते हैं उसके बारे में सारा डिटेल उसमें दिया गया है। एंड होपफुली हेल्पफुल रहेगा जो लोग भी प्लान कर रहे हैं यहाँ आने के लिए। तो मेचुका में हमारा पहला दिन लगभग समाप्ति की ओर, सूरज भी ढलने लगा है और इसके साथ ही साथ भूख जो है जोरों से चूहे कुदा रहा है पेट में, तो कुछ व्यवस्था खोजना पड़ेगा कहाँ पर जाके अपना भूख मिटाया जा सकता है। इन द मीन टाइम आने वाले दिन के लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी, कल कहाँ कहाँ जाएंगे। कुछ कुछ आइडिया है, जैसे गुरु नानक जी का तपोस्थान है, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर एक गुरुद्वारा है जो इंडियन आर्मी मेंटेन कर रही है उसको। इसके साथ साथ ही गोम्पा है जिसको विजिट करने का प्लान है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पर करना चाहते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट भी है जहाँ पर कहते हैं कि हनुमान जी का चेहरा पहाड़ में बना हुआ है, तो वो वाला भी देखने का इरादा है। सो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का प्लान लेकर पहला दिन हमारा मेचुका में समाप्त होता है। तो मेचुका के बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए मेरे साथ। इस सीरीज़ में दो व्लॉग्स और आएंगी, सो कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा हो सके जानकारी आपको मैं दे सकूँ मेचुका के बारे में। और जो लोग इच्छुक हैं आने के लिए, दे आई थिंक शुड फाइंड अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू रीच मेचुका एंड वॉट ऑल यू कैन डू वंस यू आर इन मेचुका। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करिए और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन स्टे सेफ, एन्जॉय। नूडल्स।
अच्छी न्यूज़ है, पूरे दिन की मेहनत के बाद, पहाड़ चढ़ने के बाद नूडल्स, खुदाई करने के बाद ऊपर का लाइट जाए, जरा कुछ दिखेगा, उन्हें दिख ही नहीं रहा अंधेरे में। ये है ना, ये मोमो ट्रीट, चाउमीन ट्रीट, पहाड़ चढ़ के फोटोग्राफी एक्सपीडिशन के बाद। ये देखो लेते चलिए सर। अरे यार आदमी निकलना मुश्किल है, तुम कैमरा घुसाने को कह रहे हो? अरे कुछ नहीं है। ओए होए क्या बात है, पैर कहाँ है भाई? पैर सही, संजीव फंस गया।